दो खाली नहीं की टेबल ना सर आ जाइए। अच्छा पहले तो मुझे आप ये बताइए, जब मुझे किसी टैक्स का कलर चेंज करना होता है सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होता है? अगर मुझे किसी टैक्स का कलर चेंज करना है तो सबसे पहले आपके स्टेप क्या होते हैं? आप यहाँ पे दो तरीके से कलर चेंज कर सकते हैं टैक्स का, ठीक है? ठीक है, हाँ अब बताइए क्या सर? मैंने ये टैक्स का कलर चेंज करने के लिए बोला था, बैंकक्रप्ट की बात तो उनसे ही थी। मुझे पता है वो चीज पहले से देख लिए थे, इसलिए मैंने आपको ऑप्शन ही नहीं दिया करने के लिए। आप मुझे सिर्फ इसका कलर चेंज करके दिखाओ, इसका तो उन्होंने कर दिया था, मतलब कुछ डिवाइड कर देता है कि आधा काम बैंकक्रप्ट में आधा काम तुम करो। सर जल्दी कीजिए, अगर नहीं हो रहा तो बताइए। सर आप बताइए, अगर मुझे टैक्स का कलर चेंज करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? सर सबसे पहले तो ये कलर ये जो है जो टैक्स टूल में जाके हमें जो ड्रॉपर है उसको चूज करेंगे। नहीं आप मुझे एक बात बताइए, ये टैक्स लिखा हुआ है, एक मिनट मैं भी बोल रहा हूँ कुछ रुक जाएंगे। नाम टाइप कीजिए यहाँ पे, वहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे नाम टाइप कीजिए अपना। जरूरी नहीं होता ट्रैक करना, आप क्लिक भी कर दोगे तो बॉक्स खुद बन के आ जाएगा। देखिए कैसे नाम टाइप कीजिए अपना, सरनेम टाइप कर दीजिए, या फिर एक काम कीजिए कंप्यूटर लिख दीजिए, लिख दीजिए सी ओ एम ओ एम पी। सर एम कहाँ जा रहे हो? सर आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभी आपके अंदर जो डर छिपा हुआ है ना एंटर कीजिए। थोड़ा काम रह के जो बोल रहा हूँ वो कीजिए सर, सी ओ एम पी यू टी ई आर। सर जी जो क्वेश्चन उनके पास आने वाला था आपको, आपने उनको एक हिंट दे दिया शायद, नहीं कुछ और कर देंगे, कुछ और कर देते हैं, ठीक है? अगर आंसर दे दिया ना उन्होंने तो समझ लेना पहले वो अटके हुए थे, ठीक है? अब आंसर दे दिया नहीं तो मतलब आपने हेल्प किया पहले से ही ये काम। सर आप बताइए ये कलर है इसका येलो, मुझे इसका कलर रेड करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे? आपके पास में कुछ नहीं करना है कि आपको टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करना है, ये करना है, कुछ नहीं है, आपके पास में बॉक्स है सामने लिखा हुआ है, अब क्या करोगे? तो इसको कलर सेलेक्ट करेंगे, कलर सेलेक्ट करेंगे वन में, ठीक है वन में कलर सेलेक्ट कीजिए। अब कलर तो फिर सही है, चलिए आप पहुंचिए। सर जी आप अपडेट आप नेक्स्ट टर्न आता है, अब ये बैठे रहिए नेक्स्ट टर्न आता है। सर देख लेना ध्यान से, तो कौन से साइड में करना इसका कलर चेंज करना है करके दिखाइए मुझे, सबसे पहले क्या करेंगे ये बताइए मुझे? वर्ड का नाम मींस का कलर चेंज करना है, ये येलो है ये इसको रेड करना है, तो कलर तो चेंज कर दिया वहां पे, लेकिन अब मुझे इसका कलर चेंज करके दिखाइए, क्या करेंगे आप सबसे पहले? क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। आप सिस्टम को बता ही रहे हो, आपने वहां पे कलर चेंज कर दिया लेकिन सिस्टम
पर्सन को क्या मतलब करना क्या चाहते हो, यहाँ पे बहुत सारी चीजें टेक्स्ट के साथ में वैसे ही होता है, ये पूरा स्टेप नहीं है, देखो पूरा स्टेप नहीं है, ये दोबारा से सिलेक्ट करो, इसे क्लिक करो, इसी के अंदर दोबारा से सिलेक्ट करो, ठीक है। अब कलर चेंज करो मुझे यहाँ से, तो अभी चेंज हो रहा है ना, क्यों हो रहा है, क्योंकि आप जब तक सिस्टम को नहीं बताओगे मुझे इसका कलर चेंज करना है तब तक आप उसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात, इस बॉक्स के बाद क्लिक कीजिए, शीट को ब्लैंक कीजिए, कंट्रोल एट शीट को ब्लैंक कर दो, सबसे ऊपर होगा, ठीक है। एक काम कीजिए, इसमें ना रेड कलर को ड्रॉप कीजिए, रेड कलर शीट पे फिल कीजिए, रेड नहीं है तो रेड ही वहां से कुछ अलग ही दिखाई देता है, हां रेड तो इधर से कुछ और डायरेक्शन की वजह से चौथे नंबर वाला कोई नहीं, अब इसको ड्रॉप करके दिखाइए, शीट पे कीजिए, अब एक काम कीजिए इस पर मुझे एक ओवर बना के दिखाइए, फील्ड ओवर, मैं सिर्फ आपका लॉजिक चेक करना चाहता हूँ कितना लॉजिक लगा सकते हैं, अभी वो स्टेप हो जाएगा क्यों नहीं होगा, अब एक बात ये रख लीजिए, चलो बनाइए, ड्रॉ कर दिया, बहुत अच्छी बात, इसके बाद क्लिक कीजिए, अब एक काम कीजिए इसको ना कॉपी करके दिखाइए, कॉपी कीजिए, अब आप इसे पेस्ट करके दिखाइए, ठीक है, इसको जल्दी कीजिए, क्या हो रहा है, तो कीजिए इसे सही कीजिए, ऊपर नहीं लिखना है इसको, यहाँ से बताइए इसके साइड में नहीं किया ये, इसको सही करके दिखाना है, ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, मैंने पहले ही बोला था टॉपिक चेंज हो जाएगा पूरा भी, एक बार आप कॉपी कर चुके हो ना तो आप सभी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है, ये वो सही करके दिख जाएगी, चलो अच्छी बात है, फिर भी कोई अगर उसके बराबर भी नहीं गया हो, लेकिन मैं चाहता हूँ जब इसके आप बराबर में लेके आ रहे हो तो ये रेड नहीं आना चाहिए, इसको रेड को डाल दिया तो उसके लिए आप ट्रांसपेरेंट करोगे बैकग्राउंड कलर को हटाने के लिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी मैंने कल कुछ बताया था आपको, जब भी आप, मैं क्यों बोलता हूँ आप बताइए सर, नहीं आप रह जाइए, आप क्यों बार बार इतने उतावले हो रहे हो, मैं आपको बिठाऊंगा सर, बताइए क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट क्यों नहीं हो रहा है ढंग से, कॉपी पेस्ट क्यों हो रहा है, पर ट्रांसलेट करते तो कुछ चीज क्यों हट जाती है, दस सर ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है, एकदम यहां से आप मार सकते हो, ट्रांसलेट का मतलब मतलब जैसे मान लो कोई बॉल बॉल है, ठीक है सर, तो आप इसके बाद में देख सकते हैं सर, ट्रांसलेट में हां मैं एक पिक्चर लिख रहा हूं, पेस्ट करना, हां ये चीज है, ठीक है। अब आप अपने पूरा पार्ट कॉपी किया,
ठीक है, आपने इस पूरे पार्ट को कॉपी किया। अभी तक आपने क्या किया था, जब आप कॉपी करते हो तो उसके अंदर जो व्हाइट आता था, व्हाइट को हटाने के लिए आप ट्रांसपेरेंट करते हो, ये करते हो ना, बट इसको यहाँ पर लिखेंगे बस, कीजिए व्हाइट ट्रांसपेरेंट कीजिए आप इसको। तो ये चीज क्यों हो रही है सर? तो कलर ट्रांसपेरेंट हो गया ना, कलर ट्रांसपेरेंट हो गया कैसे? हाँ सर, सर ने ट्रांसलेशन कराया हमने, तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे होने चाहिए ना। येलो भी जा रहा है, येलो क्यों जा रहा है? येलो तो रहना चाहिए ना वहाँ पे। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है कि वो ओवल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका जो पार्ट पीछे का आपने सिलेक्ट किया है सिर्फ उस पर इफेक्ट पड़ता है, पर यहाँ पे ये रह रहा है लेकिन ओवल का कलर जा रहा है। मुझे इसको बात लिखी, इसको हटाइए, अंडू कीजिए, हाँ उसको वाइट कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, कॉपी पेस्ट कीजिए,